हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त तो मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से एक नया चैप्टर। नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। वो हमारा सब्जेक्ट है कंपटीशन का। अब तक आप लोगों को मैं एकेडमिक पढ़ा रहा था। एकेडमिक का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं तो उस ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डाल रहे थे। वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि बंद होगा, वो कंटिन्यू उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं, बीकॉम करने के बाद से जब डिग्री मिल जाएगी तो उसके बाद से आपको कॉमर्स के फील्ड में जाना पड़ेगा, कंपटीशन के फील्ड में जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें कंपटीशन का। ज़्यादा नहीं, बस आधे आधे घंटा, एक एक घंटा ही समय निकालें तो अभी से कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी। वह कंपटीशन की तैयारी, कॉमर्स से रिलेटेड जो पोस्ट आती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं, अलग अलग बोर्ड से आती हैं, जैसे UP SSC से आती है, लोक सेवा आयोग से आती है, पब्लिक सर्विस कमीशन से आती है, SSC के थ्रू आती है, या अदर जो भी प्रोविंशियल बोर्ड्स वगैरह हैं उससे आती है। तो मैं चाहूँगा कि अभी से कंपटीशन की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो आइए, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कंपटीशन की तैयारी करें और एकेडमिक जैसे पढ़ रहे हैं वैसे कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि सब तैयारी करें, सब मेहनत करें और सभी कंपटीशन पास हो और जल्दी से नौकरी प्राप्त कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपटीशन का टॉपिक। तो यह कंपटीशन आपको किस चीज़ के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें केवल कॉमर्स से रिलेटेड पोस्ट के लिए मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। यह टॉपिक हमारा होगा सबसे पहले TGT कॉमर्स, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स। और क्या होगा PGT कॉमर्स, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स। उसके बाद से कॉमर्स से बहुत सारी भर्तियां आती हैं, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंट्स ऑफिसर्स, सेक्शंस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि UP पुलिस में भी ASI और SI की वैकेंसी आती है अकाउंटेंट सेक्टर से। इसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क की आती है, ट्रेजरी अकाउंटेंट की आती है, UGC नेट वगैरह को क्वालिफाई करना चाहते हैं उससे आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जो कॉमर्स में, जैसे BCOM कर ले रहे हैं तो MCOM करने के लिए, इंटरमीडिएट है तो BCOM करने के लिए, इससे इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के लिए होते हैं, उसमें भी कॉमर्स से सब्जेक्ट के क्या नाम है क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा यदि कॉमर्स से यदि BEd करना चाहते हैं तो उसमें भी कॉमर्स से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सारे पोस्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इतने पोस्टों के लिए ये हमारा वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा। अब प्रश्न आता है कि जो ये पोस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पोस्ट में कौन कौन से कॉमर्स के ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन से पेपर्स हैं जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए उस सब्जेक्ट का नाम भी बता दे रहे हैं आपको। कि सबसे पहले देखिएगा स्क्रीन पे, अकाउंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टैटिक्स है, कंपनी लॉ है, ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स, GST, कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और कास्ट अकाउंटिंग। इतने सब्जेक्टों से, इतने पेपरों से जो BCOM में लेवल में पढ़ाए जाते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं यह बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चनों का पर डे मैं लेक्चर दूंगा। ज़्यादा नहीं, केवल 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में रिपीट किए गए क्वेश्चन होंगे, आने वाले संभावित क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों को हम पर डे 30-30 क्वेश्चन का हम वीडियो डालेंगे। जैसे एक दिन में 30 क्वेश्चन पढ़ रहा है तो समझिए कि महीने में कितना क्वेश्चंस हो गया, 900 क्वेश्चंस हो गया। तो साल में कितने क्वेश्चन होंगे, 12 × 9 = 108, 10,800 क्वेश्चन,
अब समझिए कि बीकॉम करते करते समय लगभग 30,000 प्लस में क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अब कंपटीशन में जब पूछे जाएंगे तो कहाँ से पूछे जाएंगे, उन्हीं 30,000 प्लस में से ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड हो, ग्रुप जो भी हो, सब में उसको शेयर करिएगा, ताकि यह समझिए कि यह वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग के लिए काम करेगा, समझिए कि एक नया मोमेंट लाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो बनाने का मकसद केवल यह नहीं है कि केवल यही वीडियो पड़ेगा, आपका एकेडमी का भी पड़ेगा जैसे कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन इसका वीडियो पड़े जरूर पड़ेगा। तब तक पड़ेगा जब तक कि क्वेश्चन समाप्त ना हो जाए। कौन से क्वेश्चन? केवल कॉमर्स से क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि इसमें मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, जीएस पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। केवल कॉमर्स से मल्टीपल क्वेश्चन जो एकदम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन मैं दूंगा। और प्रयास यही रहेगा कि आप सभी लोग जी तोड़ कर एकदम मेहनत करके तैयारी करें। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो केवल इंट्रोडक्शन का था, एक बिग अनाउंसमेंट का था, ताकि मैं बताना चाह रहा था कि भाई इस चीज़ का वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम आपके पहले वीडियो का इंतज़ार करिए कि ज़रूर आएगा, और जितना ही जल्दी हो सकता है उतना ही जल्दी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग का ये कंपटीशन स्टार्ट कर दें। उतना ही नहीं, कुछ वीडियो पढ़ जाएगा तो आप लोग को बीच में मैं टेस्ट भी लूँगा, मैं देखूँगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, और उसी में से क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो आपको वीडियो में दिया। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं, और एक बार और कहना चाहूंगा कि अपने फ्रेंडों में मैक्सिमम शेयर कर दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।